तो आपने ज्वाइन कर लिया और आप दुर्गा सिंह जी के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप इस बिजनेस में पूरी तरह से कमिटेड कैसे हुए और कब हुए? क्या स्टोरी है? आपको विजन कब दिखा इसमें, मतलब कि बड़ा करना है, वो डिसीजन कब लिया? मैंने बताया ना सर, ये जो फ्रस्ट्रेशंस थी इस बीच जॉब में, वो थोड़ा सा और लगने लगे। अच्छा, इस बीच कुछ किताबें पढ़ने लगे और कुछ सीडीज सुनने लगे, तो उससे क्या हुआ, मेरा फेथ लेवल इतना बढ़ गया, तो मुझे ना मतलब अलग सा एक कॉन्फिडेंस था। एक बारी की बात है, नाइट ड्यूटी में मैं था, हम लोग मैं किताब पढ़ता था और फिर वहां पर अपने सारे डिपार्टमेंट के और लोग भी आ जाते, तो उनको मैं सुनाता था, रिच डैड पुअर डैड या अच्छा, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, तो उनको बड़ी अच्छी लगती थी कहानी, तो वो सुनते थे। एक बार विजिलेंस में एक हमारे वहाँ टाइम ऑफिस का एक टाइम कीपर होता था, वो आता था, वो शिकायत करता था, तो आकर के बोला कि ये तो गलत बात है, आप गलत कर रहे हो, जॉब में ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पैसा देती है कंपनी। मैंने कहा आप गलत समझ रहे हो, मुझसे कमाती है, आपको बताओ आपको एडवांस में सैलरी मिलती है? बोला नहीं। मैंने कहा मुझे भी नहीं मिलती है, जब मैं काम करता हूँ सारा महीना काम करता हूँ उसको देता हूँ, तब तो वो बचा हुआ हिस्सा मुझे देता है, और सही मैंने कहा मैं उसको पालता हूँ। तो ऐसे करके बड़ा वो था, फिर धीरे धीरे करके बिजनेस समझ में आ गया। फिर अब जब उन दिनों ना 15% का बड़ा हो रहता था, मैंने कहा 15% में 35-40 हज़ार रुपया आता है, तो अगर उतना आने लग जाएगा तो जॉब छोड़ देंगे। कुछ स्ट्रक्चर का पता नहीं था, कुछ गेम प्लान का पता नहीं था, एक्साइटमेंट बहुत थी, और हमने 15% आते आते जॉब छोड़ दी। वो 15% में अब जब छोड़ दिया था। फिर कमिटमेंट बढ़ी, इन्होंने बहुत साथ दिया। हालांकि मेरी मदर तब थी, वो इनसे बोलती थी कि तू डांटती क्यों नहीं इसको करके, इनके घर वाले भी बोलते थे कई बार। जैसा ये जैसा कह रहे हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया, सपोर्ट दिया, वो देना ही था। अब बताइए, शादी के 9वें दिन रात को आए फैक्ट्री से, उसके बाद आगे यामिनी चलो तुम प्लान दिखाओ, ये रोज 9वें दिन से प्लान दिखाओ प्लान दिखाओ। मजबूरी में क्या होता था, पहले शुरू में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये आएंगे फिर प्लान दिखाने को कहेंगे, इस चक्कर में मैं बुक्स पढ़ती थी। जैसे दुर्गा सिंह जी आते थे, भैया आप ये बता दो, फिर ये पूछेंगे आप ही बता दो, फिर वो भी कम नहीं थे, वो भी आगे यामिनी चलो तो मुझे दिखा दो पहले प्लान। कमाल लिया था हो गया, आपकी तो जबरदस्त स्टोरी इनिशियली, है। और इनिशियली प्रोडक्ट को लेकर के 100% यूजर नहीं थी, वो एक रहता है ना, तो ये क्या हाँ करती थी, जैसे बर्तन धोती थी ना, तो एक्स ब्रांड से धोती होंगी, तो इनकी आदत है एक के ऊपर एक गिलास रखने की, तो क्या होता उसमें एक व्हाइट निशान रह जाता था। मैंने फिर मैं क्या करता था, आकर के डिस्क ड्रॉप से आकर के, चाहे मैं ड्यूटी के किसी भी टाइम से आऊं, तो मैं उसको वापस वॉश करता था, तो इनको थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये बंदा तो मानने वाला है नहीं, तो फिर धीरे आप धीरे इस तरह से 100% यूजर हम लोग हुए प्रोडक्ट के। सर कितनी देर में हुए थे 15% ज्वाइनिंग से? मैं टाइम तो लगा था थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास, 2 पौने 2 साल। 2 years। और उस टाइम तक आप पार्ट टाइम थे, 2 पौने 2 साल। दो हाँ साल के बाद जैसे 15% हुआ, जॉब क्विट करी बिल्कुल, और फुल टाइम इसमें आ गए। आपको लगा नहीं रिस्क यार के, मतलब फैमिली है, वाइफ है, 15% का लेवल है, तो कैसे गुजारा चलेगा? ऐसा नहीं लगा आपको? डर पता नहीं नहीं लगा? क्यों, एक्चुअली अपलाइन पे बहुत विश्वास था और मेहनत बहुत करते थे, ये नहीं पता था कि डिफरेंशियल के पैसा डिफरेंशियल पे डिपेंड करता था, ये पता था कि 15% होते तो इतना पैसा आता है, कम क्यों आ गया, ज्यादा क्यों आ गया। फिर जब आ गया तो एक ईगो था कि हालांकि ये कहती थी दोबारा ज्वाइन कर लो, घर से भी प्रेशर था, लेकिन इन्होंने वही बोल रहा हूँ ना कि टफ टाइम में भी हमने कभी मतलब फील नहीं होने दिया कि हमको जो पॉस्चर है ना, जैसे कोई बोलता था कितने पैसे आ रहे हैं, मैंने बोला आप बोलो कितने पैसे के लिए, आप तो समझ ही नहीं सकते हम लोग कितने एक्साइटेड है। तो इस तरह से हम बात करते थे, फिर धीरे धीरे बिजनेस में फिर स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया, फिर दुर्गा सिंह जी ने बहुत सपोर्ट किया, प्लान बहुत दिखाते थे, और इस तरह से धीरे धीरे करके सब भी शुरू हुआ। तो मेनली कौन सी चीजें हैं जो आपको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करा, जिन्होंने मेनली क्या चीजें थी? मैं बोलूंगा सर, थोड़ा सा मैंने इंडिपेंडेंट काम करना शुरू किया, उससे पहले बहुत डिपेंडेंट थे अपलाइन के ऊपर, इवन प्लान भी दिखाना है या कुछ भी करना है, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमने कहा नहीं, कब तक सपोर्ट करेगी अपलाइन, और हमने इंडिपेंडेंट करना शुरू किया, पहले तो ये। दूसरा फिर मतलब प्रोडक्ट को लेकर के मैंने बहुत स्टडी करी, स्पेशली एप्साइटी के ऊपर, एप्साइटी को मैंने जो उनके कंपेरेटिव मार्केट के ब्रांड थे जिनको वो स्टिकर कहते हैं, उनको लेकर के घर में डेमो क्रॉस चेक करना, और जो जो दिखाते थे हल्दी का बोलो या पाउडर का बोलो या गंधक को लेकर के बहुत सारे डेमो करके सीखे। और ये डेमो के लिए मेरे को एक बंदे ने, क्योंकि बिजनेस तो करना है, आग लग गई थी, एक लड़का इलाहाबाद का मुझे मिला, उन दिनों बैक टू फ्यूचर करके 995 की ज्वाइनिंग आई थी,
तो उसने मुझसे बोला कि मैं पैसे नहीं लगाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो मैं क्या करता था, उसको बाइक में बिठा के लेके जाता था। उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी एफएसआईटी के ऊपर, उसने मेरे को बहुत सारे डेमो दिखाए, मेरे को सीखना था इसलिए मैंने उनके साथ वही सारे काम किए, फिर घर में आकर के क्रॉस चेक किए तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। अब मैं क्या करता था, इन बिटवीन मेरी एक लेग में, जैसे एक टीम तो बहुत अच्छी चल रही थी, एक दूसरी टीम में मेरे को शुरुआत करनी थी, तो फिर मैं काशीपुर से बहुत दूर, मतलब बाइक में जा करके बैग, नाइट ड्यूटी करने के बाद बैग में कुछ प्रोडक्ट्स रखे और उसके बाद फिर एफएसआईटी का डेमो जगह जगह दिखा, कुछ लोगों ने मजाक बनाई, कुछ लोगों ने बोला ये तो कमाल है, फिर साइंटिफिकली मैंने उसको एक तरह से ना परोसना बहुत अच्छे से सीख लिया था, तो बड़ी अच्छी रिटेल होने लग गई थी और रिटेल अच्छी हो गई थी, उनमें से कुछ लोग को ज्वाइन करा लिया। और कई बार क्या होता था, हम जैसे बंदा ज्वाइन होने से डरता था तो हम फार्मर्स को कई बार ये बोलते थे आपका कार्ड बना देंगे, कार्ड में डिस्काउंट मिलती है, तो इसके लिए राजी हो जाते थे, तो उनको लगता ज्वाइन मत कराना कार्ड बना दो, तो ऐसे करके बहुत सारे टर्नओवर हो गए हमारे। काफी आपने बहुत मेहनत की एफएसआईटी के ऊपर, आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत अच्छा, बेसिकली आपकी जो चीजें ज्यादा काम की, एक तो ओनरशिप, दूसरा प्रोडक्ट फोकस, और तीसरा आपने जो मास्टरी करी प्रोडक्ट पे, यानी कि आपने पूरा प्रोडक्ट को स्टडी किया, कॉम्पेटिटिव मार्केट में क्या अवेलेबल है उनको स्टडी किया, उनका कंपेरिजन तैयार किया, और फिर बाकी मेहनत है तो उसके रिजल्ट तो आते हैं। मैंने यूथ पे काम बहुत किया। यूथ का मतलब जैसे ना कई बार क्या होता था कि हो सकता है इसके पीछे रीजन ये हो कि हमारी बिजनेस में लेकर के सेल्फ स्टीम इतनी नहीं थी कि किसी जॉब वाले को बोल दें कि यार ये आपसे बेहतर है, तो मैंने स्टूडेंट्स को अप्रोच करना शुरू किया। और कैसे शुरू हुआ, हमारी टीम में एक फाउंडर्स प्लेटिनम है लवप्रीत सिंह, तो काशीपुर से उनका गांव बहुत दूर पड़ता है और मैं वही मेरी नेचर थी प्रोडक्ट्स को लेकर के बैग में रखना, एक शेड्यूल था, मतलब रेगुलर मैंने काम किया है, तो बैग में रख के मैं जा रहा था, ये अपने खेत में चारा काट रहे थे ये और इनकी मदर, तो जब मैंने बोला कि ये घर किसका है, बड़ी कोठी में है, बड़े आराम से मैं इंटर कर लेता था या बात कर लेता था, इतना कॉन्फिडेंस तो था मेरे को, तो इन्होंने बोला कि वहां क्यों जा रहे हो, वो थोड़ा ठीक लोग नहीं है। और फिर मैंने बोला यार बंदा बड़ा केयरिंग है, फिर क्या हुआ जब वो चारा काट के आ रहे थे तो इन्होंने पहले तो अंग्रेजी में बात करी, फिर वो चारे का गट्ठर अपने सर में रखा, तो मैंने कहा ये बंदा केयरिंग भी है, फिर इन्होंने बोला कि आप पानी पी के जाओ। अच्छा हमारे वहाँ क्या कल्चर होता है, हम शहरों में होता है तो नींबू का ग्लास हम एक ग्लास देंगे तो ठीक है, जब इनके घर पे गए तो इन्होंने जग में नींबू पानी पिलाया, तो फिर क्या हुआ थोड़ी सी दोस्ती हो गई, इन्होंने इनके घर में फादर इनके प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते होंगे कभी, तो इनको जब वो प्रोडक्ट्स वगैरह की थोड़ी सी समझ वमझ थी, तो जब मैं गया तो इनको पता नहीं क्यों अच्छा लगा, इन्होंने एक प्रोडक्ट मुझसे ले लिया और एक किताब मैंने दी इनको रिच डैड पुअर डैड, और वो किताब इन्होंने पढ़ी लपरी जी ने, और उसके बाद जब इनको वो समझ में आया तो अब हमारी दोस्ती थोड़ा सा हो गई। मैं इनके घर रेगुलर जाता था, इनकी नानी हुआ करती थी, तो नानी ये बोलती थी पंजाबी में कि रोज रोज क्यों आ जाता था, और मैं उनसे पूछता था ये क्या कह रही है, तो ये वो कहते थे कि यार बैटरी बिठाते क्यों नहीं उनको, अच्छा तब तो मुझे पंजाबी आती नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे करके, फिर ऐसा नहीं कि एकदम में राजी हो गए थे, तो इन्होंने मेरे को फिर कहना चाहिए गोली देना शुरू किया, मैं इनसे बोलूं आप कहाँ हो ये बता दे, कभी मैं यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ, एक दिन ये मार्केट में मिल गए, और मार्केट में मिल गए मैंने बोला कि आपको मैंने देख लिया है, फिर इनके साथ बातचीत करना शुरू हुई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरे ना यूथ के साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी हो गई, जैसे अभी हम लॉकडाउन से पहले हम लोग होम मीटिंग करते थे, होम मीटिंग में भी हमारा क्या होता था कि एक बंदा कुछ बोलेगा, दूसरा बंदा कुछ, तीसरा कुछ, ऐसे क्वीन पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, एक बंदा क्वीन की कहना चाहिए ना साइंस पे बात करेगा कि अच्छा कैसे खेत से सेहत डैमेज हो रही है, फिर दूसरा बंदा मैकेनिक्स की बात करेगा, फिर तीसरा कोई ना कोई लेडीज वॉलंटियर, वो कोई ना कोई चाहे मूंग की दाल का हलवा चाहे शाही पनीर वगैरह, तो पूरा एक कॉम्पैक्ट हमारा एक सेशन होता था और बहुत क्वीन बिकते थे। जिस महीने क्वीन लॉन्च हुआ हम लोग की टीम में, मतलब ये मेरे को लगता है मिड मंथ से लेकर लास्ट तक 29 क्वींस हमारी सोल्ड आउट हुई थी उस महीने, हमने वाह बहुत एग्रेसिवली काम। और जबरदस्ती आपने बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी बताई। एक्चुअली उसमें वेरिएशन आ जाती है, एक बंदा साइंस बताएगा, दूसरा बंदा बैकग्राउंड बताएगा कहाँ से नुकसान हो रहा है, तीसरा बंदा रेसिपी बताएगा, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। उससे एक तो सुनने वाला बोर नहीं होता और मोनोटनस नहीं होता एक ही बंदा बोलता जाए, तो वो बड़ी चेंज आती है। और बाकी मैं जो समझ आ रहा है कि आपने बहुत मेहनत की प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट फोकस बहुत काम किया, लेकिन एट द सेम टाइम आपका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। तो आपकी सबसे पहले जो स्ट्रांग लीडरशिप आपके बिजनेस में आई वो लवप्रीत थे, राइट? बिल्कुल, तो उससे आपका बिजनेस काफी उससे पहले मेरी एक और यूनिट थी, वो भी कैसे स्टार्ट हुआ, जब मैं आईजीएल में हुआ करता था तब मेरी एक मुंह बोली बहन थी, और जब मैं वापस फादर की डेथ के जब मैं बात काशीपुर आया
तो उन दीदी को मैंने बोला, तब तक मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ था, मैंने उन दीदी को बोला कि ऐसे करके एक बिजनेस है और ये है वो है करके, तो मेरे को टालती थी, ऐसा थोड़ी होता है वैसा थोड़ी होता है, और मैं रिस्पेक्ट बहुत करता था। तो एक दिन मैंने उनको 6 महीने बाद, ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद एक पेस्ट मैंने बोला चेक करके देखो, तो जीजा जी जो थे उन्होंने बोला ले क्यों नहीं लेती है, तो इस तरह से मेरे को ऑब्लाइज किया उन्होंने। 6 महीने बाद मेरा एक प्रोडक्ट बिका था इनिशियल स्टेज में, और उसके बाद फिर उन्होंने ही पहली ज्वाइनिंग भी करी थी। फिर मैं और दीदी, मेरे को मोटरसाइकिल तब तक चलानी आती नहीं थी, मैं और दीदी रिक्शे में जाते थे, और उसके बाद फिर हम लोग ये सब कुछ कर रहे थे। इस तरह से उस यूनिट में बहुत सारे सिल्वर्स ब्रेक हुए थे, उन दिनों इंश्योरेंस भी आया था, इस तरह से बहुत सारा इस तरह से नेटवर्क बनाया। और ये तो कोरोना से पहले की बात थी, कोरोना में अचानक से जब ये बिल्कुल ब्लाइंड हो गया तो हम लोग डर गए, क्योंकि सिस्टम नहीं था, और सिस्टम नहीं था तो हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग के बीच में ना बड़ा एक बॉन्ड है, हम सुनते हैं एक दूसरे की। तो मैंने बोला अच्छा क्या हुआ, मेरे जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो पार्टनर्स थे उन्होंने ये बोला कि हमारी कैसे सपोर्ट करोगे, तो हम लोगों ने बोला व्हाट्सएप कॉल क्या करेंगे, लेकिन उसमें लिमिटेशन थी, हम कुछ शेयर नहीं कर सकते थे। तो फिर ऐसे टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो हमने जूम को फिर ढूंढा, हमने जूम बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, अभी पीपीटी बनानी नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, जूम को हमने करना शुरू किया, फिर हमने फोटोग्राफ्स क्लिक करके स्क्रीनशॉट और उसको दिखाया, और वो स्क्रीनशॉट में थोड़ा थोड़ा लोगों को मैसेजेस तो आए, और उसके बाद फिर लगा यार ऐसे नहीं चलेगा, फिर हमारी केमिस्ट्री बनी, फिर स्क्रिप्ट मैंने लिखी, किसी ने उसके मतलब फोटोग्राफ्स ढूंढे, और हमारी टीम में दीपेश है गए, उन्होंने एनिमेशन और उसके बाद इस एफेक्ट्स डाल करके पूरी वो पीपीटी हर बंदे की अपने थॉट्स के हिसाब से उसके लिए डिजाइन करनी शुरू की, चाहे वो एफ्सा की मीटिंग हो, चाहे वो क्वीन का हो, चाहे वो वे प्रोटीन का हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन की हो, बिल्कुल हम लोगों ने कॉम्पैक्ट इस तरह की कुछ पैटर्न बनाया कि हर बंदे को फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि ये आपको आपको ऐसे परोसना है। तो जब भी हम हेल्थ क्लिनिक करते थे तो एक टॉपिक पे बात करते थे, तो वो बड़े अच्छे से करता था क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट होती थी। बिल्कुल मास्टर हो गया उसका वो। तो आपका कोविड से पहले क्या लेवल हो गया था? कोविड से पहले मैं प्लेटिनम था। अच्छा, ओके कोविड से पहले प्लेटिनम थे, और फिर आपका फाउंडर प्लेटिनम कब हुआ? कोविड के कोविड ड्यूरिंग के बाद में, के बाद में, कोविड के बाद में, इमीडिएटली बाद में इन बिटवीन कोविड में ही हुआ, मतलब कोविड में हाँ हुआ 20 में, 20 में, और हाँ 20 में आप फाउंडर प्लेटिनम हो गए। पहले साल मैं फाउंडर्स प्लेटिनम गया, और अगले साल फिर लवप्रीत जी सेम ईयर में प्लेटिनम और फाउंडर्स प्लेटिनम गए। तो आपने जैसे बताया, काफी आपके टीम वर्क मेरे को बहुत जबरदस्त लग रहा है। जैसे आप इकट्ठे यस मिलके बनाते हो, फिर काम बांट लेते हो, फिर उसको प्रेजेंटेशंस भी मिलके करते प्रेजेंटेशन, हैं। और एक आपका बड़ा अच्छा वर्ड आप यूज करते हो, परोसना है उसको। ये भी सही है, हाँ ये लो यार, ये परोस दिया, खा लो जो खाना है। बहुत ही जबरदस्त काम आपका। तो अब आपने और यामिनी बाद में आ गए बिजनेस में ना आप? अब इन्होंने इस बीच इन्होंने मतलब चाहे मजबूरी में कहो, इन्होंने फिर आना शुरू किया, क्योंकि सब लोग फैमिली के साथ आते थे, मैं बोलता था यार क्या फायदा आपको साथ में रहने का, चलो करके इस तरह से फिर लेडीज के साथ क्या इनका इंटरेक्शन बढ़ा, और फिर इस तरह से इन्होंने भी इन्वॉल्व बहुत अच्छे से करना शुरू किया। बल्कि मैं तो कहूँ मेरे से ज्यादा इनका फॉलोअप स्ट्रांग है, मैं तो कई बार बड़ा पोलाइट होता हूँ, ये स्ट्रिक्टली बात करती हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो नुकसान किसका होगा, और नहीं, ये आप बिजनेस रिलेशनशिप का है ना, तो रिलेशनशिप जितनी हमारी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा रहेगा। मेरा यही है, हमारी जो मेरी टीममेट्स हैं सबके साथ मेरा पर्सनली भी बहुत अच्छा बॉन्ड है। अभी जैसे कि ये प्रोडक्ट की बात हो रही थी कि ये प्रोडक्ट हम किसी को बताते हैं, लेकिन बताने से कुछ नहीं होता है, चीज तब ज्यादा असर करती है जब हम डेमो के साथ करते हैं। मेरा अपने ग्रुप में लेडीज को यही रहता है कि आप प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए ना, क्योंकि एक सिर्फ हमारा एसेट आता है इसको ले लीजिए यूज करिए ऐसे नहीं चलेगा, ये इसमें हमको पूरी उसकी नॉलेज देना पड़ती है, इसमें एंजाइम्स हैं, इसमें एलोवेरा है, ये सेहत में, ये हमारे कपड़ों के लिए अच्छा है, ये बर्तनों के लिए अच्छा है, पूरा डिटेल में बताने से, उसके साथ साथ अगर हम डेमो करके दिखाएं, तो मैं जब भी कोई नई लेडीज भी ज्वाइन होती है हमारे बिजनेस में, तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, और उनको डेमो खुद उनके घर जाके उनको डेमो करके दिखाते हैं, फिर अगर पॉसिबल होता है तो उनके घर में उनसे बोलती हूँ कि आप अपने आसपास लेडीज को बुलाइए, आसपास की लेडीज को, फिर उनके सामने भी प्रोडक्ट के डेमोज वगैरह करके दिखाते हैं, साथ में प्लान भी हो जाता है, तो इसलिए लेडीज ज्यादा बड़ी ड्रीमर होती है, इसलिए उनको जगाना ज्यादा फिर जरूरी हम लोग है। का ना फैमिली का कल्चर बड़ा जबरदस्त है, मतलब मेरे घर में कभी आप आएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा घर किसका है,
क्योंकि कौन किचन में घुस रहा है, कौन किधर से निकल के आ रहा है, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा। दूसरा, फिर हम लोगों ने एक चीज और की लॉकडाउन में, जैसे जो लीडर्स थे, लवप्रीत जी हैं या हम लोग जितने सीनियर लीडर्स थे, हमने बोला कि आप जो अच्छा स्टॉक रखते हो, एक जगह रखते हैं, किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो एक्सचेंज करके प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हो जानी चाहिए। मतलब कोरियर चूंकि लेट आ रहा था, और फिर लवप्रीत जी का LEC में सिलेक्शन, उनसे बहुत सारे कहना चाहिए पिन कोड्स पे कोरियर्स की अवेलेबिलिटी वगैरह बहुत अच्छी हुई, एमवे ने बहुत सपोर्ट किया, और फिर हमने अपने लेवल पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बड़े इजीली करनी शुरू हुई, इसका भी हमको बहुत फायदा हुआ। वाह, ये तो और भी यूनिक है। ये किसी ने, मैंने सुना नहीं किसी ने ऐसा भी किया हो यस, कि कॉमन प्रोडक्ट रख लो यार, एक दूसरे से ले क्रिएटिविटी। लो। हाँ, बहुत बढ़िया टीम वर्क आपने बहुत ही स्ट्रांग बहुत किया, ठीक है, और बहुत ही क्रिएटिवली अपने आप सोचा क्या करें क्या ना करें। और आपने यंग थे, और आपकी बैकग्राउंड भी ऐसी नहीं है कि आप कोई बहुत कोई रिच बैकग्राउंड से आ रहे थे, बल्कि आपने एमवे बिजनेस को 15% लेवल पे आपने जॉब छोड़ी, और उसके बाद इसी पे डिपेंडेंट होते हुए अपनी कैरियर को बिल्ड किया। बहुत ही जबरदस्त आपकी स्टोरी रही है। और यामिनी आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी फैमिली में कौन कौन है, बच्चे आपके? मैं, अब मेरे फादर तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया था, मेरे फादर SBI में थे, ब्रांच मैनेजर थे, और मेरे दो भाई हैं, एक मेरे से बड़े भाई नहीं हैं। नहीं अच्छा, इधर इधर अभी आपकी और पीयूष की फैमिली, जैसे यहाँ आप रह रहे हो, यहाँ पर हम सिंगल रहते हैं, हम दो हैं, एक हमारा बेटा है अक्षर, एक बेटा है, कितना वो बड़ा है? 10th में पढ़ता है, फिफ्थ ओके, मुझसे का है वो लंबा है। अच्छा, हाँ, न्यूट्रलाइट है की भी भी यहाँ है, पे है। न्यूट्रलाइट की अभी बदौलत। यहाँ पे अभी वो कुछ स्टडी वगैरह कर रहा है, वहां पे FRU में मिलेंगे हम लोग, वो हाँ, बहुत इसलिए अच्छा, आपसे भी लंबा हो गया वो, बहुत बढ़िया, और तो जबरदस्त। बेटा है, कितना है? छोटा ही होगा जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। नहीं, हाँ, मतलब बिजनेस के 15% जब मैं था, उसके बाद वो पैदा हुआ। पैदा हुआ। हाँ, मतलब मैं आपको बताऊँ ना, हम लोगों ने बहुत क्रेजी थे हम लोग। एक बार ही डाउनलाइन के प्लान के लिए, मेरे को मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती थी इवन, और ये प्रेग्नेंट थी, और हम लोग बाइक पे जा रहे थे, और इन्होंने अपनी मतलब गोद में पेटी भी रखी हुई थी, मतलब ओ पता नहीं क्यों। और वो सारी इंस्पिरेशन सर आपसे मिले, आप लोग को हमने इतना, एक बार ही आप काशीपुर आए थे, आपको शायद याद नहीं होगा, याद है, ये उन्हीं दिनों की बात है। तो हाँ, डिनर था मैनोर हाँ, मैनोर होटल, मैनोर में डिनर हमने साथ में किया था, और आपने बहुत ही, मतलब मैं हमेशा मतलब बोलूंगा कि थैंक्स भी कम है उसके लिए, बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि क्या कमाल की लीडरशिप है, और क्या कमाल, वही चीजें हमारे अंदर ब्लड में चली गई, यार कर सकते हैं, यार हो सकता है। और मैं आपको बोलूं, आज हम जो भी बात कर रहे हैं ना, इसके लिए आपके उस दिन के साहस को हम थैंक यू बोलते हैं सर, जिस दिन आपने सोचा, आपने थोड़ी सोचा होगा कि लवप्रीत फाउंडर्स प्लेटिनम हो जाएंगे, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया अभी था वो, है ना, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया इस तरह से कहा। और फिर जब मैंने बोला कि इस तरह की टफ टाइम में भी इन्होंने बहुत, मतलब ये नहीं होता था फिर कि मैं क्यों चलूं करके, और घूमना फिरना साथ में, और इस तरह से फिर कभी ये शिकायत नहीं कि आप साथ में नहीं रहते वाली बात ना, इस तरह से हुआ। वो कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट भी थी, तो बाइक के भी पीछे बैठी थी, और साथ में सामान भी रख रखा था, मतलब प्रोडक्ट्स वेरी नाइस। बेटी। तो बिल्कुल, जिसने थर्सडे भी कोई अचीव की को डॉक्टर ने बोल दिया था कि सैटरडे को आपका सिजेरियन होना है, और हम थर्सडे मेरे ख्याल से अफजलगढ़ कालागढ़ कहीं गए थे अच्छा पेरेंट्स यही थे उस टाइम, डैडी यही पोस्टिंग थी डैडी की, तो बल्कि मेरे भाई और मेरी मदर डांटती भी थी कि कम से कम अब तो थोड़ा रेस्ट कर लो, बिल्कुल घर में नहीं बैठती हो, कहीं कुछ हो गया बाइक में। हमने कहा हम न्यूट्रलाइट खाते हैं और सोचते हैं पॉजिटिव है, इसलिए चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जो इनको डॉक्टर देख रही थी उनका भी फॉलोअप करके उन्होंने उनको भी कंज्यूमर बना दिया, और वो कहते थे तुमको बताना तो बेकार है, तुम प्रोडक्ट्स तो एमवे के ही लोगे, हमने सब उन्होंने उसी आपने टाइम में मुझे न्यूट्रीलाइट ही दिया, कह रही मुझे पता है कि मैं तुझे अगर लिखूंगी कुछ और तू खाएगी तो है नहीं, तो उन्होंने मुझे पूरे टाइम न्यूट्रिशन हमारा वाला ही दिया। एक अच्छी चीज और हमने सीखी सर, सबकॉन्शियस माइंड की बात या पॉजिटिव की बात ना, उनकी शादी को भी 8-10 साल हो गए थे, उनका कंसीव नहीं हो रहा था, हमने उनको बोला पॉजिटिव होना चाहिए, सेल्फ टॉक करना शुरू करा, और जब ये हमारा मतलब बेटा हुआ, उसी दरमियान उनका भी एक बेटी हुई थी, वो उनको बहुत मानते थे। आपके बेटे का बर्थ कौन सी ईयर का है? 2008 का 2008। नाइस, बिल्कुल जबरदस्त। और यामिनी ने जैसे बताया ना कि थर्सडे को जा रही थी और सैटरडे को सिजेरियन सीजेरियन था, तो बोलते कि अभी तक काम करे, आपने बोलना बीच में फ्राइडे है। था कमाल ही हो गया।